Good afternoon, students. So, good afternoon, students. I hope आप सब मुझे सुन पा रहे हैं. Okay, so I'm Akansha Pandit and I'm your chemistry teacher. और आज से हम आपके pharmacist exam की preparation start करने वाले हैं. Okay, so I'm going to share my screen with you all. I hope आप सभी को मेरी screen visible हो रही होगी. सो गाइज, अगर आपको बीच में कोई भी डाउट होता है, कुछ भी है, आप मुझे बाद में आफ्टर दिस सेशन पूछ सकते हैं. कोई भी डाउट्स होंगे हम लास्ट में क्लियर कर लेंगे. और क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको पता है आपका एग्जाम आने वाला है, मे बी 28th को हो, गॉड नोस, होपफुली थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए, बट इफ वो 28th को हुआ सो वी हैव वेरी लेस टाइम. तो इसलिए हम जल्दी जल्दी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अभी उनको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के साथ, विच इज एसिड बेसिस एंड बफर. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन. सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. बीच में अगर आप लोग को मेरी वॉइस आने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्लैरिटी में कोई इश्यू होता है, तो प्लीज पिंग मी. एक बार आप मुझे मैसेज करेंगे, मेरे को पता चल जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, citric acid is used in iron limit test. citric acid iron limit test में क्यों use होता है? ठीक है, पहला question आपसे ये पूछ रहा है. So first option है to prevent color due to sulfate, to prevent color due to copper or due to chloride or due to lead. अभी इस तरह के question को answer करने का एक trick मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले इस question का answer क्या है मैं वो बता देती हूँ. इसका correct option है option B, which is to prevent the color due to copper. Copper की वजह से आने वाला जो color होता है इस limit test में, उसको prevent करने के लिए, वो color ना आए उसके लिए हम citric acid iron के limit test में use करते हैं. और basically citric acid का जो use आप books में पढ़ेंगे वो ये होता है कि iron limit test में iron क्या करता है बच्चों, ammonical solution होता है iron का. ठीक है, iron का ammonical solution होता है, उसके साथ में इस अमोनिकल सॉल्यूशन के साथ में वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसका पीपीटी फॉर्म हो जाता है. ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है विद थायोग्लाइकोलिक एसिड. ओके, और उसका पीपीटी फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये जो पीपीटी फॉर्मेशन होता है इसका इन अमोनिकल सॉल्यूशन, वो हो पाता है इसी वजह से, क्योंकि हम सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं. ओके, सो अभी क्या है, लेकिन यहाँ पे आपको वो ऑप्शन तो कहीं दिया ही नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपको कौन सा आंसर करेक्ट है? उसके लिए ये ट्रिक है कि जैसे आपने लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट पढ़ा, क्लोराइड, लेड, कॉपर, हमने मतलब सॉरी हैवी मेटल्स के सबके लिमिट टेस्ट पढ़े हैं, बट कोई कॉपर का लिमिट टेस्ट तो अभी तक नहीं आया, राइट? तो इन सब में से आप ऑड वन आउट तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता है आयरन लिमिट टेस्ट की बात चल रही है यहाँ पे, ना तो सल्फेट, ना क्लोराइड, ना लेड, तो ये तीनों के तीनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं करेक्ट, राइट? इसलिए करेक्ट आंसर हो गया है सेकंड ऑप्शन, दैट इज टू प्रिवेंट कलर ड्यू टू कॉपर. तो कॉपर की वजह से जो कलर आ रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, वो ना है, इसके लिए हम आयरन लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट स्टिल कभी कभी हम आगे पढ़ते पढ़ते बेसिक चीजें भूल जाते हैं. तो एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज CH3COOH. एसिटिक एसिड को बच्चों दूसरा नाम होता है इथेनोइक एसिड. इसका दूसरा नाम होता है इथेनोइक एसिड. ओके, तो एथ में अगर हम देखें इसको, अगर मैं एक्सपेंड करूं, अगर आपको इसका दूसरा नाम पता है तो इजीली आप इसको आंसर कर पाएंगे.
एथ मतलब होता है बच्चों दो कार्बन, ठीक, और ओ एक एसिड यानी कि उनमें से एक कार्बन जो होगा वो कहीं ना कहीं COOH ग्रुप उसमें अटैच्ड होगा। ओके, तो ओवरऑल कंपाउंड में होंगे दो कार्बन, एथ वर्ड ही यूज होता है टू कार्बन के लिए, और उनमें से एक कार्बन जो होगा वो ओइक एसिड है क्योंकि नाम में, तो ओइक एसिड की वजह से वो COOH ग्रुप होगा, इसलिए एसिटिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो CH3COOH होगा। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर है बी। बाकी के ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि देखिए उसमें फर्स्ट ऑप्शन में आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, तीन कार्बन है टोटल, 1 2 3। ओके, तो ये कभी भी इथेनोइक तो होगा ही नहीं, ये प्रोपेनोइक एसिड होगा कि तीन कार्बन के लिए हम प्रॉप वर्ड यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए सी वाला जो ऑप्शन है उसमें कितने कार्बन है, यहाँ पे 1 यहाँ 5 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 6 7 6 एंड 7, राइट, तो ये हेप्टेनोइक एसिड हो गया जो कि पॉसिबल नहीं है। और ऐसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेनोइक एसिड विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो एसिटिक एसिड का मतलब इथेनोइक एसिड है, उसमें दो कार्बन होंगे, इसीलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन वॉटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू विच थियरी। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट थियरी जब हम एसिड बेस का चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें यही पढ़ते हैं कि आरिनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लाउरी थियोरी, लुईस थियोरी, ये सभी पढ़ते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आया है क्योंकि बच्चे इन चीजों में कंफ्यूज होते हैं, आपको देखने के देख के लगेगा इतना सिंपल क्वेश्चन है कौन पूछेगा, बट क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बच्चों को ज्यादा होता है तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एसिड का एग्जाम्पल लेके देती हूँ, जैसे सपोज मैं HCl की बात करती हूँ, लॉन्ग एसिड, ओके, और इसको जब मैं वाटर में यानी कि वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, मतलब उसका डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया, वाटर के अंदर एसिड डाल देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड तो उसका डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा। तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में डिसोसिएट होता है ना, और डिसोसिएट होके ये क्या प्रोड्यूस करता है, एच आयंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एच पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके हिसाब से थ्योरी, ये थ्योरी किसके हिसाब से करेक्ट है, ये बोला था आरहीनियस ने। आरहीनियस ने ये बात कही थी कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ये आरहीनियस का कॉन्सेप्ट है। लुईस ब्रॉन्स्टेड लाउरी का कॉन्सेप्ट ये नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने डाले हैं। ओके, और आरहीनियस के हिसाब से बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इन हाइड्रोजन आयंस को, यानी इनका हम दूसरा नाम बोलते हैं प्रोटोन्स को, इन प्रोटोन्स को या इन हाइड्रोजन आयंस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक, तो बेसिस हो जाएंगे वो। या फिर अगर हम आरिनियस थियोरी के हिसाब से बोले तो बेस वो सब्सटेंसेस होंगे जो इस ही वाटर के अंदर, ये जो H2O इसी वाटर के सोल्यूशन में OH आयंस देते हैं, क्या देते हैं, OH आयंस, ये होता है आरिनियस के हिसाब से बेस का मतलब। जैसे सपोज मैं एग्जाम्पल दे दू NaOH, NaOH को अगर मैं वाटर में डालती हूँ इसका सोल्यूशन बना के, तो ये क्या करेगा, वाटर के अंदर OH आयन प्रोड्यूस करेगा, ये होता है आरहीनियस थ्योरी के हिसाब से। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन, एक सेकेंड, आई थिंक कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का, वन सेकेंड, यस, गुड आफ्टरनून, ओके, हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, इंग्लिश दोनों में। बच्चों लिसन, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग प्लीज हमें बाद में पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ओके, थैंक यू संजीव, अभी हम कैरी ऑन करें क्लास के साथ में, ठीक है, बीच में ऐसे डिस्टरबेंस होगा तो फिर क्लास उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ से स्टार्ट करते हैं आप। ऑक्सीडेशन
हेलो। हेलो। आप लोग को आवाज आ रही है अभी मेरी? सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली बीच में थोड़ा इंटरनेट इश्यू हो गया था, आई एम सॉरी। चलिए अभी हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हम थे क्वेश्चन नंबर 4 पे, मैं आपको ऑक्सीडेशन बता रही थी। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ऑप्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थियरीज डिस्क्राइब्स बेस एज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कौन सी थियरी है इन सब में से जो ये बोलती है कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स वो देता है, ठीक है? ऐसा कौन सी थियरी है इनमें से? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, दैट इज ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी थियरी। देखिए, आरहेनियस थियरी मैंने आपको वहां बता दिया, एसिड वो सब्सटेंस हैं जो कि अपने एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंस हैं जो कि एक्वा सोल्यूशन में ओएच आयन डोनेट करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक। अभी यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड और लाउरी थियरी का एक क्वेश्चन आ गया है, तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन इज सी, इट इज लुइस थ्योरी। डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, आई एम सॉरी, आई थॉट कि यहाँ हाइड्रोजन आयन की बात चल रही है। डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर जब डोनेट करता है बेस, तो वो जो थ्योरी है वो कॉन्सेप्ट दिया था हमें लुइस और लुइस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है? लुइस बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और लुइस एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन इज लुइस थ्योरी। लुइस थ्योरी के हिसाब से बेसिस आर दी सब्सटेंस दैट डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इफ द पीएच ऑफ द ब्लड फॉल्स बिलो 7.37, द कंडीशन टर्म्ड एज, मान लीजिए अभी पीएच स्केल, बेसिक एक पीएच स्केल बनाते हैं, पीएच स्केल में यहाँ बीच में होता है 0, ठीक है, सॉरी 7, इधर रहेगा 0 और इधर आएगा 14, राइट? जैसे जैसे हम इस 7 से नीचे की तरफ आते रहते हैं, वैसे वैसे एसिड कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है? एसिड कैरेक्टर बढ़ता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जितना उसका पीएच कम रहेगा, ठीक। और जैसे जैसे 7 से ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, 14 की तरफ, वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता रहता है, तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा जितना जितना हम 7 से 14 की तरफ जाएं, ठीक। तो अभी मैंने बोला एसिड वो ज्यादा स्ट्रांग होगा जो कि 7 से 0 की तरफ जाते जाते इसका वैल्यू कम होता रहेगा, और बेस वो ज्यादा स्ट्रांग होगा जो कि 7 से 14 की तरफ जाते जाते उसका वैल्यू बढ़ता रहेगा। अभी यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, अगर ब्लड का पीएच 7.35 से कम हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? मैंने बोला वो एसिड होते हैं, राइट? तो कंडीशन कहेंगे उसको एसिडोसिस, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एसिडोसिस, ठीक है? अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बेस मे बी डिफाइंड एज अ केमिकल कंपाउंड दैट, अब देखिए ये अलग तरीके से पूछा है, बेसिक जनरल आपको पता है बेस वो कंपाउंड होता है जो कि ओ एच आयन डोनेट करता है, अभी मैंने आपको वहां पे भी बताया था, आरहेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यही था, है ना? लेकिन ये जो यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलेगा चारों में से, चारों ऑप्शन में से, कि बेस ऐसा कंपाउंड है जो कि ओ एच आयन डोनेट कर रहा है, बल्कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं। पहला बोल रहा है हाइड्रोजन आयन रिमूव कर रहा है सोल्यूशन से, दूसरा कह रहा है कि एड कर रहा है सोल्यूशन में, या फिर हाइड्रोजन आयन्स ऐड कर रहा है सोल्यूशन में, या सोडियम आयन्स को सोल्यूशन से एलिमिनेट कर दे रहा है, निकाल दे रहा है। तो पहली बात तो NaCl से और ये सोडियम आयन से कोई ताल्लुकात नहीं है बेस का, जब हम एसिड और बेस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उस टाइम पे इनका कोई मतलब नहीं होता है।
हम बात सारी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक। तो दूसरा और ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये तो करेक्ट होगा ही नहीं, बचे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है रिमूव्स हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द सोल्यूशन, और थर्ड में बोल रहा है ऐड हाइड्रोजन आयन टू अ सोल्यूशन। अब देखिए बेस के पास हाइड्रोजन आयन तो है ही नहीं, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए NaOH, NaOH बेस है, उसके पास कहाँ हाइड्रोजन आयन है, ये OH आयन है उसके पास में, है ना, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, तो वो दे तो सकता है नहीं है सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन, तो सी भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचा, ए रिमूव हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द सोल्यूशन। बेस वो सब्सटेंस होता है जो सोल्यूशन से हाइड्रोजन आयन्स को रिमूव करता है, मतलब ले लेता है, उसके पास में हाइड्रोजन आयन देने की टेंडेंसी नहीं है क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन आयन है ही नहीं, उसके पास हाइड्रोक्साइड आयन है, इसलिए वो क्या करेगा हाइड्रोजन आयन, लेकिन अगर एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन आयन को लेने की टेंडेंसी जरूर रखता है। ओके तो इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नाउ अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट एसिड कौन सा सब्सटेंस होता है, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। लुइस एसिड्स वो होते हैं जो सोल्यूशन में से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हो, और बेसिस वो जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो। ये लुइस एसिड बेस में बच्चे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसके लिए आप इसको ध्यान रखेंगे। लुइस एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक, एसिड एक्सेप्ट, ऐसे आप एक ट्रिक हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं, लुइस का एसिड है एसिड, ए फॉर एसिड, ए से एक्सेप्ट, ऐसे याद रख लीजिए, ये एक ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली आर, एल्कली मतलब यहाँ बच्चों बेस होता है, ठीक है, बेसिक सोल्यूशन जो होता है वाटर का उसको हम एल्कली बोल देते हैं, तो ऐसे सोल्यूशन जो कि पीएच को चेंज नहीं होने दें अगर आप उनमें थोड़ा बहुत एसिड या बेस डालो, तो ऐसे सोल्यूशंस को हम बोलते हैं बफर। सुनते आ रहे होंगे आप ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा, पर स्टिल एग्जाम्स में ये डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऐसे सोल्यूशन जो कि अपनी पीएच को रेजिस्ट यानी कि ना चेंज होने दें ना बदलने दें, अगर आप उसमें थोड़ा बहुत एसिड या एल्कली यानी बेस डालें तो वो अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देंगे, ऐसे सोल्यूशंस को हम बफर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरिक एसिड, यूजुअली बच्चे केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला देखते डर जाते हैं, ठीक है, इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनर ज्यादा पूछ लेता है। तो बोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा है, इन सब में से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर बी ही है, H3BO3 बोरिक एसिड को बोलते हैं, H3BO3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसकी कोई ऐसा ट्रिक नहीं है बच्चों, ये आपको याद होने ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला अगर वो सिंपल कंपाउंड है तो बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं, पर ऐसे बोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इस तरह के पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। तो बोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H3BO3। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कॉन्जुगेट बेस इज, अब ये टाइप क्वेश्चन भी बच्चे कंफ्यूजन होता है कि आप बोलेंगे इस रिएक्शन में H2PO4 दे रखा है और वो डिसोसिएट होके एच आय प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ये दो बन रहा है। लेकिन क्या है कि एच आय प्रोड्यूस करने वाला तो जो होता है वो तो एसिड होता है, और यहाँ पे ये कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे मैम आप कह रहे थे कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एच आय प्रोड्यूस करते हैं, बट यहाँ कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इसीलिए यहाँ पे टर्म यूज करी है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बेस कौन सा होता है, जब कभी एसिड डिसोसिएट होता है उसके बाद में डिसोसिएशन के बाद एच आयन निकल जाता है ना, उसके साथ में जो बचता है ना उसको हम उसका कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है ये HPO4 2 माइनस, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, ठीक है। किसी भी एसिड का डिसोसिएशन होने के बाद जब एच प्लस निकल जाता है उसके साथ में जो आयन बचता है एनायन यानी नेगेटिव चार्ज वाला आयन जो बचता है उसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं उसका। यही बात अगर मैं इसका ऑपोजिट बोलूं, मान लो कोई बेस है और वो डिसोसिएट हो रहा है तो उससे जब हाइड्रोक्साइड आयन निकल जाएगा उसका, तो साइड में जो बचेगा आयन कौन सा, कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाला, उसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे उसका,
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो ये HPO4 2- इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। PH+POH इज इक्वल टू, अब ये तो सब जानते हैं पीएच क्या होता है। पीएच का एक बेसिक फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, पीएच इज माइनस लॉग एच आयन कंसेंट्रेशन, है ना, ये सबको पता होता है। जितने भी प्रोटॉन्स होंगे यानी एच आयन्स होंगे सोल्यूशन में, उनके लॉगारिथमिक, नेगेटिव लॉगारिथमिक कंसेंट्रेशन ऑफ एच आयन्स इज पीएच, ये तो सबको पता होता है, राइट। और पीओएच क्या होता है, पीओएच में बस एच आयन की जगह पे ओ एच आयन आ जाता है, माइनस लॉग ओ एच आयन कंसेंट्रेशन। ये बहुत बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं बच्चों, ये सभी बच्चों को पता होता है। बट उसने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू, अभी ये क्या है, कई बच्चे क्या करेंगे इसमें 7 लगा के आ जाएंगे आंसर, बट इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज 14। पीएच और पीओएच इज इक्वल टू 14, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि जैसे इसमें क्या होगा, सपोज आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल टाइप का छोटा सा, पीओएच का वैल्यू गिवन है और पीएच नहीं दिया है, और आपको पीएच निकालना है पीओएच की हेल्प से, तो आप ये फॉर्मूला लगा के पीओएच का वैल्यू से हेल्प से पीएच निकाल सकते हैं, 14 माइनस पीओएच हो जाएगा पीएच का वैल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस बोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड टू, देखिए बोरिक एसिड का फॉर्मूला मैंने पीछे ही आपको बोला कि आपको पता होना चाहिए, ये होता है बोरिक एसिड। और इन्होंने क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसको हीट करेंगे, तो मैंने इसको टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, और ये जो सिंबल है ना डेल्टा, इसको हम बोलते हैं हीट, ये हीट का सिंबल होता है। तो जब हम बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो क्या होता है बच्चों, बनता है मेटाबोरिक एसिड, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या होता है, माइनस H2O, इसमें से वाटर निकल जाता है। ठीक है, अब आप देखिए बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, 3 हाइड्रोजन यहां दिए हैं, 2 हाइड्रोजन यहां से निकाल दिए मैंने, तो बचा क्या, 1 हाइड्रोजन। अब बोरोन एज इट इज है, मैंने बोरोन तो निकाला ही नहीं इस रिएक्शन में, बोरोन निकलता ही नहीं है, बोरोन यही रहेगा, वो यहाँ पे एज इट इज रहा। ऑक्सीजन कितने दिए हैं, 3, कितने निकाल दिए मैंने, 1 निकाला है, H2O में 1 ऑक्सीजन है ना, 1 निकल गया तो बचे कितने, 2, तो O2। इस तरह से H3BO3 का जब हम हीट करते हैं उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसका रिएक्शन होता है तो वो बनाता है HBO2, जिसको हम कहते हैं मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, और इसको फर्दर अगर आप हीट कर दो ना और ज्यादा 100 डिग्री सेल्सियस पे, और में भी रेड रेड हॉट कहते हैं उसको, आई गेस बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है, बहुत एक्सेस टेम्परेचर देना पड़ता है, तो उससे बन जाता है टेट्राबोरिक एसिड। ठीक, एक और वाटर मॉलिक्यूल उसमें से निकल जाता है, या हम बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे ऐड हो जाते हैं HBO2 के, और उनसे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तब बनता है ये टेट्राबोरिक एसिड। ठीक है, तो क्या टेट्राबोरिक एसिड की अभी हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेटाबोरिक एसिड की, वो इस तरह से बनता है, बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट कराते हैं और उससे मेटाबोरिक एसिड बन जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट इज द सिनोनिम ऑफ, सिनोनिम होते हैं बच्चों, सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले, ठीक है, सेम नाम वाले, जैसे आपका घर का नाम कुछ और होगा, बाहर में आपको कुछ और बुलाते होंगे किसी और नाम से, तो वो सिनोनिम हो गया, नाम का तो आपका ही है चाहे घर का हो या बाहर का हो। ऐसे ही कंपाउंड्स के भी कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके 2 नाम होते हैं, एक उनका केमिकल नेम होता है, एक उनका जनरल नेम होता है जिनसे लोग उनको कई बार बुला लेते हैं। लेकिन ये जो स्पिरिट ऑफ सॉल्ट है ये रेयर नाम है जो कभी पहले यूज हुआ करता था, अभी भी आप इसको कुछ स्टोर्स में यूज करते हुए देख सकते हैं, ये बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिनोनिम, ठीक है, HCl का सिनोनिम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है ना, वेट निकालने के लिए आपको अगर इसका फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो आप वेट कैसे निकालेंगे, इसलिए मैंने बोला आपको केमिकल फॉर्मूला हर एक कंपाउंड का पता होना जरूरी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है NaOH, उसमें भी अभी क्या इंपॉर्टेंट है, पहले की क्लासेस में भी मैंने ये चीज बताई थी आपको कि पीरियोडिक टेबल में आपको पता होना चाहिए कौन सा एटम कौन सा किस जगह पे आता है ना, उनकी पोजिशन पता होनी चाहिए, उनका नंबर पता होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट पोजीशन है तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन 8th पोजीशन पे है तो ये पता होना चाहिए,
सोडियम का 11th पोजीशन है, उसी के हिसाब से इनका वेट आ जाता है। तो जैसे सोडियम है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 23, ठीक है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो होता है 11। अब कई बार क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11, मैक्सिमम टाइम क्या होता है एटॉमिक नंबर का दुगना जो है वो एटॉमिक मास होता है, ठीक है। ऐसे आप याद रखेंगे चीज, मैक्सिमम टाइम ये होता है कंपाउंड से केस में, एलिमेंट से केस में बता रही हूँ, इन जनरल एटॉमिक नंबर का दुगना उनका एटॉमिक मास होता है। लेकिन आप बोलोगे मैम ये तो 23 है, तो 11 से दुगना होता है 22, उसमें एक और ऐड कर दिया है तो इसका जो मास है वो 23 होता है सोडियम का। ऑक्सीजन के केस में मैं बात करूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक, 8 का दुगना होता है 16, और यही इसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 8 का दुगना 16, ठीक। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसका जो मास होता है ना वो भी 1 ही होता है। हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो अभी जब आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 16 प्लस 23 प्लस 1 ऐड करके आएगा 40, करेक्ट आंसर हो गया ए, यानी 40 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से निकालते हैं। तो इसके लिए आपको क्या आना, पहली चीज आपको पता होना चाहिए कौन सा केमिकल फॉर्मूला आपको किस पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में कैसे लिखना है, वो आपको होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे NaOH को बोलते हैं तो वो पता होना चाहिए, और दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कंपाउंड में किस एटम का कौन सा एटॉमिक नंबर है, उसके हिसाब से आप उसका मास निकाल सकते हो, मास निकाल के सबको ऐड कर देना, बस आंसर आ जाएगा। हर केस में यही करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बफर्स प्रेजेंट इन ब्लड कंटेन, हमारे ब्लड में जो बफर सिस्टम है, अभी हमारी बॉडी के अंदर जो पूरा ये ब्लड प्रेजेंट है उसके उसमें भी तो कई सारे आयंस हैं, राइट। तो उस बफर सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं एक्चुअली ये सब प्रेजेंट होते हैं, ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट ऑप्शन। बाइकार्बोनेट आयंस भी हमारे बफर सिस्टम है, क्योंकि आपको पता होगा हमारी बॉडी में वाटर भी प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा पानी ही है, ब्लड में पूरा पानी तो है, और क्या पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर का कंटेंट है। और उससे H2 आ जाता है। अब CO2 आपको पता होगा, हम ऑक्सीजन लेते हैं इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, CO2 हम बाहर एलिमिनेट करते हैं, राइट, एक्सहेल करते हैं बाहर निकालते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर तो कहीं ना कहीं रिएक्शंस हो रही है ना, उस CO2 का रिएक्शन, उस वाटर का रिएक्शन, और कहीं ना कहीं ये बाइकार्बोनेट आयंस बन रहे होते हैं, ठीक। ऐसे हीमोग्लोबिन तो आपको पता ही होगा, हम कितनी बार टेस्ट भी करा लेते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो अनीमिया हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड में सबसे ज्यादा जरूरी कंटेंट ही हीमोग्लोबिन है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो होगा ही होगा। और ये H2PO4 भी होगा ही होगा, जाहिर सी बात है फॉस्फेट आयंस भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर, ये सारे के सारे हमारे ब्लड के बफर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 17, एस्कॉर्बिक एसिड इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ। अब एस्कॉर्बिक एसिड का इनमें से ये नाम बड़े अजीबो गरीब लग रहे होंगे, पिलाग्रा, स्कर्वी, बेरी बेरी, रिकेट्स, बट इसका सही ऑप्शन है बी, स्कर्वी। स्कर्वी एक ऐसी डिजीज होती है जो अगर किसी मतलब सर्टेन विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, डेफिशिएंसी यानी कमी की वजह से। कौन सा विटामिन होता है वो, एस्कॉर्बिक एसिड ही होता है। अब पहले ये पता होना जरूरी है एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी की वजह से बीमारी हो जाती है उसको बोलते हैं स्कर्वी। इसमें क्या होता है आपके गम्स ब्लीडिंग गम्स, इस मतलब आपके जो ऐसे मसूड़े होते हैं ना उसमें से ब्लड आने लगता है, आपके दांत बहुत कमजोर हो जाते हैं, अजीब तरीके का स्किन का कलर हो जाता है, स्किन पे अलग 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 पैचेस हो जाते हैं, ये सारे विटामिन सी की कमी के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, उसकी वजह से होने वाली कमी की वजह से होने वाली बीमारी है स्कर्वी, ठीक। ना क्वेश्चन नंबर 18, बोरिक एसिड अकर्स नेचुरली एज अ मिनरल। अब बोरिक एसिड ये आपने अगर बुक देखी होगी ना, तो बुक में सबसे पहला जैसे ही एसिड बेस का चैप्टर स्टार्ट होगा और थियोरीज के आगे जाओगे, कंपाउंड आता है पहला बोरिक एसिड, वहां पे फर्स्ट लाइन में उसका मॉलिक्यूलर वेट उसके बाद यही लिखा है कि इसका दूसरा नाम सेसोलाइट होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए बुक रीडिंग के टाइम पे हमें ये ध्यान देना चाहिए, या जब टीचर पढ़ा रहा है तो भी, कि एक कंपाउंड का दूसरा नेम कोई और तो नहीं है ऐसा, क्योंकि अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। बोरिक एसिड का दूसरा नाम जो है वो सेसोलाइट भी होता है, नेचुरली इट इज अ मिनरल कॉल्ड सेसोलाइट,
ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन. अमोनिया रिड्यूसेस पोटेशियम परमैंगनेट टू. अब पोटेशियम परमैंगनेट किसको बोलते हैं? KMnO4. KMnO4 ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला. अभी क्या है, अमोनिया की प्रेजेंस में, अमोनिया यानी NH3 की बात कर रहे हैं, इसकी प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट होता है? अब अगर आपको फॉर्मूला देख के समझ में आता है कि कंपाउंड को कैसे हमने लिखना है, तो आप ये चीज आराम से बता पाएंगे, है ना? कि मतलब अगर आप उसका देख के समझ आ रहा है नाम से कि हाँ इसका केमिकल फॉर्मूला ये होगा, तो आप बता देंगे आराम से, वरना तो थोड़ा सा ही शायद क्वेश्चन मुश्किल पड़ जाए. तो अभी आप देखिए, KMnO4 में आप देख पा रहे हैं Mn प्रेजेंट है. Mn बोलते हैं हम मैगनीज को, और इन चारों ऑप्शन में से मैगनीज सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है थर्ड ऑप्शन, मैगनीज ऑक्साइड, राइट? तो इसका आंसर भी यही है सही, मैगनीज ऑक्साइड, MnO2 बोलते हैं उसको. ठीक है, MnO2. जैसे ही KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का अमोनिया के प्रेजेंस में रिडक्शन होता है, रिडक्शन होना है मतलब ऑक्सीजन तो कम होने ही है, इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं कहीं से ऐड करने के लिए, अभी इसको ऑक्सीजन ही कम कर सकता है. ठीक, तो ये O4 से O2 बन जाएगा, और ये पोटेशियम भी अलग, ऐसे के पॉजिटिव 2K पॉजिटिव हो जाता है. ठीक, और ये ऑक्सीजन घट के 2 रह जाते हैं, और ये मैग्नीज एज इट इज रहता है, ये मैग्नीज एज इट इज रहेगा. MnO2 यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड बनता है. मैग्नीशियम नहीं बोलते हैं बच्चों इसको, मैग्नीशियम का भी पता होना चाहिए, Mg को कहते हैं. बच्चे मैग्नीशियम और मैग्नीज में बहुत कंफ्यूज होता है. मैग्नीशियम बोलता है Mg को और मैग्नीज कहते हैं Mn को. और जब हम पोटेशियम पर मैग्नेट का रिडक्शन करते हैं अमोनिया के प्रेजेंस में, तो उससे मैग्नीज ऑक्साइड बनता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास. इसमें सारे लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं. थैंक यू सो मच. अभी मैं आपके डाउट्स ले लेती हूँ, आपको जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं. स्टूडेंट्स यू कैन आस्क एनीथिंग, जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं. ओके, गौतम, डॉक्टर बीएस गौतम. जी मैम नमस्ते। मैम मैं कह रहा हूँ जो ऑल सब्जेक्ट है ना उसकी मतलब सभी की तैयारी हो जाए तो ज्यादा बेटर है क्योंकि टाइम कम रह गया है। हाँ जी, एक्चुअली हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट्स कवर अप कर ले. क्या है, केमिस्ट्री का आपने देखा होगा 15 क्वेश्चंस आई थिंक कुछ ऐसा आने वाला है, 15 मार्क्स का, राइट? तो उसका काफी अच्छा खासा कंटेंट आता है. इसके लिए जो आपके बेसिक बेसिक केमिस्ट्री से कवर हो सकते हैं वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और बाकी और सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस चल रही है. हम लोग रात रात को भी लेट तक क्लासेस हम लोग की चल रही है, तो आप वो ले सकते हैं, नहीं मैम मेरा आप कहने का अटेंड मतलब, कीजिए. मैं कहने हाँ का मतलब ये है कि हाँ जी, मतलब क्या कम हो लेकिन सबकी हो जाए, थोड़ा सा तो अनुभव हो जाएगा ना स्टूडेंट को। जी, बिल्कुल एग्जैक्टली. हम यही काम कर रहे हैं कि कम, हम वाली इसलिए कम कम क्वेश्चंस करा रहे हैं, बट हम लगभग सारे टॉपिक आपको कवर करा देंगे जो इम्पोर्टेंट है. थोड़ा थोड़ा हो जाए, हम ये नहीं कह रहे पूरी हो जाए लेकिन मतलब कम से कम हम एग्जाम देंगे तो पहचान तो लेंगे कि ये मैम ने पढ़ाया था। जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं. और मैम मैं उसकी कह रहा हूँ 20 नंबर का क्या होगा उसका, जीके किसके बीस वाला नंबर का जो जीके जनरल वगैरह नॉलेज का है भी, उसके लिए भी ना। देखते हैं कुछ, है ना? उसके लिए भी देखते हैं. पहले आप एक बार ये सब्जेक्टिव पार्ट क्लियर कर लीजिए, और जनरल नॉलेज का भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, उसका भी आप टेंशन ना लीजिए. एक बार एटलीस्ट ये हम सब्जेक्टिव पार्ट कवर कर लेते हैं. ठीक है मैम ठीक। ठीक है, ओके. यस, द किंग. सो हु इज द किंग? हेलो मैम यस यस, किंग कहिए, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन बता दीजिए एक बार। ओके, हाँ जी मैम ओके. एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला. ओके, मैंने आपको बोला एसिटिक एसिड को हम जो दूसरा नाम इसके लिए देते हैं वो होता है इथेनोइक एसिड. ठीक है, और अगर मैंने पहले भी क्लास ली है, अगर आप लोगों ने मेरी क्लास पहले अटेंड करी है कभी MCQs वगैरह की भी, तो आपको पता होगा कि मैंने बताया है एक कार्बन के लिए हम टर्म यूज करते हैं मेथ, है ना?
दो कार्बन होते हैं तो यूज कर लेते हैं एथ, ऐसे ही तीन कार्बन होते हैं तो प्रॉप, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। फोर कार्बन के लिए ब्यूट, फाइव के लिए पेंट, सिक्स के लिए हेक्स, ऐसे करते करते चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एसिएटिक एसिड है। कई बार एसिएटिक एसिड बच्चों को नहीं पता होता, बट एसिएटिक एसिड का दूसरा नाम इथेनोइक एसिड ही होता है। और इथेनोइक एसिड में एथ वर्ड है, मतलब दो कार्बन होंगे उसके कम फॉर्मूला में, और ओइक एसिड का मतलब होता है उसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक तो दो में से एक कार्बन हो गया COOH और एक बचा तो वो CH3, इसलिए इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ओके, ओके आई होप अभी क्लियर हुआ होगा आपको। ओके जी, थैंक यू मैम। ओके, यस सुबह, हेलो जुबैर, बताइए हाँ क्या यार, क्वेश्चन है आपको। नहीं मतलब उस लेक्चर में ही पढ़ाएंगे क्या मैडम? लेक्चर में नहीं जो पढ़ाऊंगी, मतलब सब्जेक्ट जो है, मैं चाह रहा हूँ कि उसका एमसीक्यू जो है मिक्सर करवा देते, ज्यादा बेटर होता पूरे सब्जेक्ट का। देखिए मिक्सचर तो नहीं, क्योंकि क्या देखिए हर एक सब्जेक्ट टीचर अलग अलग है ना हर सब्जेक्ट का, तो अभी मिक्सचर आपको करा पाना तो एकदम ऐसे नहीं। कोई पेपर होगा तो वो बेशक हम करवा सकते थे, बट अभी क्या है एकदम एग्जाम आ गया ना, डेट अभी आ गई है एकदम रैंडमली, तो अभी क्या कर मैडम सकते ऐसे हैं। आप, मैडम आपकी ही जो केमिस्ट्री है, मतलब हाँ इस जी, जो मिक्सचर करवाने के लिए हम कह रहे हैं, अच्छा मैं ऐसा और बोल रहे हैं, तो अब मैं आपको वही बता रही हूँ, हमने जो अभी चैप्टर का डिवीजन किया है ना, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सारे पार्ट में मैं आपके सभी छोटी थोड़ा 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 करके सब चीजें कवर करा दूंगी। ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट है और वो रह जाए, हम यही कोशिश में हैं। अब ऐसा होता है ना, देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं एसिड बेस से उठाती हूँ, एक दूसरे से, एक तीसरे से, आप लोग एक साथ में थोड़ा कंफ्यूज होने का चांसेस ज्यादा रहता है बच्चों को। ठीक है, इसलिए कोशिश करें अभी जी थोड़ा थोड़ा चैप्टर वाइज ही कराए, बट अभी देखिए इसके बाद भी मैं आप लोग को सबको बता रही हूँ, इसके बाद भी अभी एक क्लास लूंगी मैं, जस्ट अभी अभी 10-15 मिनट आप लोग ब्रेक ले लीजिए बीच में, इसके बाद मैं फिर से एक लाइव क्लास शेड्यूल करूंगी, उसमें मैं आपको सेकेंड चैप्टर एनेस्थेटिक्स पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी जितना हो पा रहा है अभी करा दे रहे हैं आप लोग को। ठीक कंटिन्यू है, हाँ करने से आउट ऑफ हो जा रहा है। हाँ वही मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि अभी इसीलिए मैं 15-20 मिनट का गैप दूंगी अभी बीच में आपको, उसके बाद आपका अगला क्लास लूंगी, तो उतने देर में आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, फिर दूसरा क्लास कर लेंगे। ठीक है, कंटेंट समझने में बहुत टाइम लग रहा है, खास तौर हाँ मैं समझ रही हूँ, वही प्रॉब्लम होता है केमिस्ट्री में, थोड़ा सा बच्चे डरते भी हैं। केमिस्ट्री जी 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 तो अभी आपको देखिए लास्ट मोमेंट जब एग्जाम आने वाला होता है तो हम कंटेंट पे कहाँ ध्यान नहीं देते, उस टाइम पे हमें ध्यान देना होता है सिर्फ एमसीक्यूज पे, क्योंकि जितना एमसीक्यूज आप करेंगे प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा आपको आएगा, राइट। तो अभी इसीलिए आपको वही मैडम, एमसीक्यूज वही पे हम ध्यान दे रहे हैं। ज्यादा करिए, 20 से थोड़ा ज्यादा ही करिए। हाँ जी, हाँ जी वही कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो ठीक ज्यादा है, एमसीक्यू, बहुत कम ही एमसीक्यू है। ठीक है, ओके मैम। एक्चुअली देखिए अभी कम कराने का रीजन है क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, आप समझ रहे हैं, अगर अभी मेरे को आप हाँ दे हाँ दीजिए 10-15 दिन तो मैं आराम से करा दूंगी, बट अब एग्जाम अगर 28 को हो गया तो क्या करेंगे फिर, मैं ज्यादा को एमसीक्यू एक ही क्लास में ज्यादा एमसीक्यू कराएंगे एक चैप्टर के, फिर दूसरा चैप्टर छूट जाएगा उसकी वजह से ना, यही कारण है अभी के लिए। नहीं, एक साथ तीन चार चैप्टर लेके कराइए, ज्यादा बेटर होगा, कोशिश कर रहे हैं, ये चलिए ज्यादा हम अच्छा होगा। इंतजार। इसके तीन चार चार पांच चैप्टर एक साथ लेके करिए, ज्यादा बेटर होगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप थोड़ा देर उसका। वेट कीजिए, 15-20 मिनट में दूसरा क्लास होने वाला है अभी, तो अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर भी ओके ओके कराऊंगी। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू ओके मैम। ओके। www, आप लोग नाम तो एटलीस्ट ऐसा डालें कि मुझे समझे, बताइए। हेलो हाँ जी बताइए, मैम, ये केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है? मतलब उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट वगैरह है, ये सब दिया हुआ नहीं है, तो मतलब हाँ उसमें जी कहाँ तक पूछ सकता है, जैसे लिमिट टेस्ट वगैरह, आर्सेनिक और हैवी मेटल इन सब का, ये सब भी आएगा? एक्चुअली देखिए बहुत ज्यादा लिमिट ऐसे बहुत भारी भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना, नहीं सर, और आते हैं तो एक बार लाइव क्लास में लिमिट टेस्ट के ऊपर ऑलरेडी ली थी पहले, एक क्लास में मैंने एमसीक्यू थोड़े थोड़े कराए हैं, उस तरह के बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, अंदर रिएक्शन में घुस के कोई क्वेश्चन पूछ रहा ऐसा नहीं पूछता है, बहुत बेसिक जनरल क्वेश्चंस आते हैं, क्लोराइड सल्फेट, वो भी क्लोराइड सल्फेट या ये आयरन लिमिट टेस्ट से मैक्सिमम आते हैं,
हैवी मेटल से कोई नहीं पूछता, उतना टफ नहीं जाते हैं, ठीक है। और आर्सेनिक से पूछ लेते हैं, मैंने बताया भी था पहले की क्लास में भी कि कर्जीट का जो अपरेटस होता है वो किस लिमिट टेस्ट में यूज होता है, तो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में यूज होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैम जो 20 नंबर का है उसके लिए कुछ करवाइए, क्योंकि मैम ज्यादा तो मैटर वही करेगा कि जिसका वो पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा वो ज्यादा सही रहेगा। हाँ मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर क्या होता है ना कई बार हम उन 20 नंबर के लिए हम सब्जेक्टिव चीजें छोड़ने लगते हैं, और फिर पता चला वहां वो 20 नंबर में बेशक आपके 15 आ गए, बट सब्जेक्टिव चीजें आप नहीं कर पाए वहां पे, क्योंकि नंबर आप खींच सकते हैं ज्यादा, समझ रहे हैं। सब्जेक्टिव पार्ट आपका स्ट्रांग रहेगा, आप वहां ज्यादा नंबर ले पाएंगे, बट अगर ऐसा पोर्शन में आप चले जाएंगे, जनरल नॉलेज इतना वास्ट है देखिए कि वो आप कितने ही क्वेश्चंस कर लीजिए कम ही पड़ेगा। तो हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं, अगर हो पाता है उसका क्लास भी लेने का तो देखते हैं, है ना। तो अभी लेकिन अच्छा आप एटलीस्ट सब्जेक्टिव पार्ट तो क्लियर कीजिए, अभी फिलहाल 3-4 दिन बचे हैं तो उसमें इतना हो जाए, पहले हम वही फोकस कर रहे हैं। मैम, अगर जैसे अपने ही सब्जेक्ट में आप 2-4 क्वेश्चन उसको भी ऐड कर दिया करें तो ज्यादा सही रहेगा। ओके, मैं एक बार बात कर लेती हूँ, देखते हैं जैसे भी रहता है। जी मैम। ओके ठीक है, ओके यस यस देवेंदर। हेलो हेलो देवेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम, गुड इवनिंग हाँ मैम। जी बताइए। गुड इवनिंग, बताइए। मैम बफर सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा और बताएं डीपली थोड़ा सा। ओके, देखिए बफर सॉल्यूशन के बारे में डीपली अगर आपको पढ़ना है तो ऑलरेडी लेक्चर उस रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, अभी मैं डीप में नहीं जाना चाह रही हूँ, कारण यही है, आप समझ रहे हैं ना, बहुत कम टाइम बचा है ना, और इतने कम टाइम में हम अगर डेप्थ में बफर सॉल्यूशन डिस्कस करने लग गए जिससे क्वेश्चन भी आपको एक एक मुश्किल से पूछा जाएगा, तो फिर वो बहुत टाइम का वेस्टेज नहीं हो जाएगा। यही कारण है कि अभी डेप्थ में मैं कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं अभी आपको सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब, मतलब टॉपिक्स भी क्या एमसीक्यू उसके फॉर्म में, तो मैं एक एक चीज में भी आपको सब कवर करा ही दे रही हूँ जो आ सकता है सभी कुछ, है ना। मैम हाँ फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी क्लासों के बारे में और पूछना था ओके बताइए। मैम। ये क्लास है, चलेगी नहीं चलेगी फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स? ओके, ये एक टाइम डिस्कस करके ना उदित सर से वो आपको बता देंगे इसके बारे में, ठीक है। ओके ओके सर, ओके सर। हाँ दीपक हेलो हेलो दीपक, आवाज नहीं आ रही हाँ आपकी। जी मैम, सुन पा रहा हूँ ओके ओके बताइए। मैम। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो बता देना, दोबारा रिपीट कर देना एक बार। अच्छा और ओके, मैम का ये स्यूटिकल का पीडीएफ मिल जाएगा मैम? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, हाँ इन यानी एमसीक्यू उसका ना। हाँ, एमसीक्यू का पीडीएफ यानी स्यूटिक्स का और स्यूटिकल दोनों का सेंड कर देना मैम। अच्छा देखो वो आपको वेबसाइट पे हमारे वहां पे जाके मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, कंटेंट में आ ही जाएगा, ये वीडियो आ जाएगा जब चाहे तब आपको मिल लेकिन सकता अभी है, तो उसमें कोई मटेरियल नहीं आ रहा। आएगा आएगा, मटेरियल भी आएगा, है ना, हाँ वो भी आएगा। एग्जाम आने अभी वाले हम हैं, लोग कभी कोशिश कर रहे हैं आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लेने की, क्लासेस से बच्चे ज्यादा समझ पाते हैं ना, मटेरियल भी आ ही जाएगा, ठीक, थैंक यू। ठीक है। ठीक और फर्स्ट क्वेश्चन आप जो बोल रहे थे वो ये रहा, आयरन लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड का यूज पूछा था, तो मैंने इसका एक ट्रिक बताया आपको करने का, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में सल्फेट क्लोराइड लेड का जिक्र किया है ना, और ऊपर बात करें आयरन लिमिट टेस्ट की, तो सल्फेट क्लोराइड और लेड तो ऑफ कोर्स यूज नहीं हो सकता ना, समझ रहे हैं आप। उसमें कहीं ना कहीं अगर मैं सल्फेट के लिमिट टेस्ट की बात करी होती या क्लोराइड या लेड के लिमिट टेस्ट की बात करी होती, तब लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन का तो जिक्र ही नहीं आना था ऑब्वियसली, है ना। तो इसका मैंने ये ट्रिक बताया कि सिट्रिक एसिड आयरन लिमिट टेस्ट में वैसे तो इसलिए यूज होता है क्योंकि वो आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है, और उसका पीपीटी फॉर्म हो जाता है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है उसकी, लेकिन दूसरा रीजन उसका ये है कि वो कॉपर की वजह से जो आने वाला कलर है उस रिएक्शन में उसको आने से रोक देता है, उसको प्रिवेंट कर देता है, ओके इसके लिए उसको यूज करते हैं।
दीपक। ओके थैंक यू। ओके हाँ विक्रांत। हेलो। यस विक्रांत। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून विक्रांत। मैम ये जो एसिड बेस थ्योरी है लुईस की, मतलब तीन थ्योरी हैं, तो मैं मैंने एक और तीनों को अलग अलग डिफाइन कर दो, थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके सुनो देखो, एसिड आर्हेनियस की थ्योरी के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वा सोल्यूशन में यानी वाटर के सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं एच प्लस, ठीक है, और बेसिस वो सोल्यूशन होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं यानी ओ एच माइनस आयन देते हैं एक्वा सोल्यूशन में। ये दोनों चीजें एक्वा सोल्यूशन की चल रही है H2O की प्रेजेंस में, ठीक है। आर्हेनियस थ्योरी ये बोलती है। ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ब्रोंस्टेड एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटॉन्स डोनेट करते हैं, H+ आयन डोनेट करते हैं, ठीक, और बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो उन्हीं प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, H+ आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। अब थर्ड थ्योरी है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और लुईस बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक। ये तीनों थ्योरीज हैं, इन्हीं से क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, हमारे न्यूज़ को थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, भी कंफ्यूजन हो जाता है इसमें थोड़ा सा। हाँ तो देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है वो होता है लुईस कॉन्सेप्ट में, तो मैंने उसका ट्रिक बताया। लुईस एसिड, ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर, ऐसे याद रखो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो लुईस बेस उसका ऑपोजिट ही होना है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करना है, राइट। और दूसरा जो ब्रोंस्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट में हम प्रोटॉन्स की बात करते हैं, एच प्लस आयन की, एसिड है तो एच प्लस देगा और बेस है तो एच प्लस लेगा, राइट। और आर्हेनियस केस में जो एसिड है वो एच प्लस देता है एक्वा सोल्यूशन में और बेस है OH- देता है aqua solution में। aqua solution में important term है जो जरूर use होगी अगर वो Arrhenius का acid या base है। जी मैम ये तो है। मैम हाँ मैम ये QT रहेगा, इनका question आ रहा है, इनका वो करो accept करो। हाँ okay okay sure 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 मैं कर रही हूँ, मैं sequence wise कर रही हूँ, ठीक है। okay आत्म लगाऊंगी कल। यस पीएस गौतम बताइए। हेलो पीएस गौतम। हाँ नितिन कुमार। हेलो। हेलो हाँ नितिन बताइए। जी मैम नमस्कार। हाँ जी नमस्ते। जी मैम देखो ये जो आप जो 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 बातें डिस्कस कर रहे हैं ये इन्हें सभी बच्चों को बता दो कि ये लेक्चर में भी डाला हुआ है, पहले जाके वहाँ पे स्टडी करें, अभी इतना समय नहीं है जो यहाँ पे आप सबको ये ऐसी बातें समझाएगी डीपली, सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस मैम, ठीक है। देखिए नितिन, अब किसी स्टूडेंट को मैं यहाँ पे मना तो नहीं कर सकती ना कि नहीं आप मुझसे मत पूछिए, आप मेरे सुनिए मैम, सुनिए सुनिए, आपकी बात गलत नहीं है मैम, मैं आपको नहीं बोला, आप सिर्फ बच्चों को ये बोलिए मैम कि सब कुछ ऐप पर ही लेक्चर वीडियो वहाँ पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे डीपली समझा रखा है कि वहाँ पे जाके आप उन्हें पढ़िए एक बार और फिर से क्लास में आइए यहाँ पे, उससे वो ठीक है ना पढ़ने के लिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल नितिन, मैं बोलती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए सबके अपने अपने डाउट्स हैं, आपने भी अपनी बात बोली, सब बच्चे अपनी बात बोलते हैं ना, तो अब किसी को मैं ऐसे नहीं मना कर सकती नहीं मैं नहीं बताऊंगी, राइट, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, मुझे सबके डाउट्स रहने पड़ेंगे। जी जी बच्चे जैसे बोले है ना कि डीपली बताइए वो कीजिए, आप ये बोल दीजिए मैम कि एक बार पहले सभी लेक्चर पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद अगर बच्चे भी सभी क्लास अटेंड करेंगे तो और अच्छे से उन्हें समझ में आ जाएगा एमसीक्यू भी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है नितिन। और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं मैम बस यही चाह रहे थे मैम ये जल्दी जल्दी फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री कोग्नोसी इनमें 15-15 के हैं कि यही सब्जेक्ट कवर हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है ना? जी, जी। अभी लूंगी मैं इसके बाद भी क्लास थोड़ा देर में, आप लोग 15-20 मिनट के ब्रेक के बाद लूंगी, एक बार सबके क्वेश्चन ले लेते हैं उसके बाद, ठीक है। ओके मैम थैंक। ओके ओके हाँ जी हाँ जी बताइए।
हेलो हेलो यस क्यूटी रहे बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। सुन पा रहे मेरे को? हेलो अंकुर हेलो हेलो अंकुर क्या क्वेश्चन है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अंकुर बताइए। मैम ये फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कब क्लास चलेगी? अभी जैसे मैं कंटिन्यूएशन में लूंगी ना इसके बाद फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी उसमें आएंगे ठीक है। प्रोबेबली कल इसका क्लास होगा। अच्छा कितने टाइम से? अभी कितने हाँ जी यही टाइम से दोपहर का चलेगी टाइम ही फार्मा? रहेगा अराउंड। देखिए ऐसे करेंगे कोशिश करते 11-12 बजे के अराउंड अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ट्राई करेंगे बाकी देखते हैं। बाकी कल के दिन में हो जाएगा इसका क्लास इतना है। एनेस्थेटिक्स क्या कौन सा चैप्टर? एनेस्थेटिक चैप्टर की क्लास आज होगी? एनेस्थेटिक अभी होगा अभी 15-20 मिनट के बाद में ब्रेक लेके फिर क्लास। ओके मैम, ओके। ठीक हेलो हाँ दीपक बताइए। हेलो हाँ दीपक आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो हाँ दीपक बोलिए। मैम, ये वो पीडीएफ चाहिए था केमिस्ट्री का, एमसीक्यूज का? एमसीक्यूज का। हाँ दीपक इसके बाद क्लास के बाद में ना वो सब चीजें भी आपके पास पहुंच जाएंगी ठीक है। ये सारी पीपीटी शेयर वगैरह की जाएंगी आपके साथ में तब आप वहां से चेक कर लीजिएगा। अगर मैं क्लियर कर देता हूँ तो फिर पीडीएफ निकलता नहीं मैम, पता नहीं क्यों ऐप से। नहीं ऐसा नहीं है वो शायद फिर आपके एंड से प्रॉब्लम होगा कुछ ना कुछ क्योंकि हम लोग कंटेंट डालेंगे तो वो सबके लिए होगा राइट। तो इसके जैसे क्लास हो जाएगा उसके बाद में चीजें आप मटेरियल पहुंच जाएगा आपके पास ठीक है। ओके हेलो हाँ क्यों दे रहा है बताइए। हेलो हेलो। हाँ क्यों दे रहा है बताइए बोलिए आवाज आ रही है मुझे आपकी? हेलो मे बी आपके साथ माइक में थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। हेलो हेलो मोहम्मद नसीम हेलो यस नारायण हेलो नारायण कुछ कह रहे हैं आप? मैम, लुइस एसिड बेस बताए थोड़ा। अच्छा नारायण मैंने जस्ट अभी अभी एक स्टूडेंट को ये बताया था है ना तो आई थिंक आप थे नहीं कॉल पे। देखिए लुइस एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और लुइस स्पेसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। बस इतने से कॉन्सेप्ट है। मैम एसिड एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का और बेस डोनर होता है इलेक्ट्रॉन का ठीक है, ठीक है। ओके। ओके यस मोहम्मद नसीम बताइए। मैम ये जो पीडीएफ है प्रिंट आउट निकालना है, कैसे निकाला जाएगा प्रिंट आउट? आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे फिर प्रिंट आउट अपने लैपटॉप से निकाल दीजिएगा।
पेन ड्राइव में लेके किसी के पास चले जाएंगे वहां ऐसे निकाल देंगे क्या? तो आप अगर ऐसे नहीं कर पा रहे, मेल के थ्रू किसी के पास चले जाइए, वो आपको मेल पे डाल के निकाल देंगे वहां से। अच्छा ओके मैम, ठीक है ठीक। हाँ क्यूटी राय, आई होप आपकी आवाज अब मुझे आ जाएगी। दिस इज थर्ड टाइम मैं आपका एक्सेप्ट कर रही हूँ, बताइए। हेलो क्यूटर, आपके शायद माइक में थोड़ा इशू है, आप एक बार अपना माइक चेक कीजिए पहले। हेलो मनीष तिवारी बताइए। हेलो ओके यास्मीन, हेलो यास्मीन बताइए। यास्मीन आवाज नहीं आ रही है। हाँ नितिन कुमार बोलिए। हेलो हेलो जी मैम। हाँ नितिन कुमार बोलिए जी मैम। एक्चुअली जैसे अभी भैया आए थे ना, बोल लेते हैं आपको पीडीएफ के अकॉर्डिंग के कैसे निकलवानी है। हाँ जी हाँ जी। तो ये मैम इसमें से कहीं पे भी निकलने की नहीं है वीडियो ऐप में से? नहीं वीडियो नहीं, वो पीडीएफ की बात कर रहे थे। अगर पीडीएफ की फॉर्म में कुछ डाला जाता है कंटेंट तो वो उसकी बात कर रहे थे। सॉरी मैम पीडीएफ वगैरह बोल रहा हूँ मैं आपको, ये पीडीएफ निकलने की नहीं है। उदित सर से मैंने बात की थी। हाँ मने कर रहे थे कि ऐप में ही ऑटोमेटिकली वहीं पे ही रहेगी, उन्हें हम किसी भी तरह बाहर से नहीं निकलवा सकते मैम। अच्छा अच्छा ओके, तो फिर आपको ऐप से पढ़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है फिर तो, या तो आप उसको लिख लीजिए है ना। हाँ जी मैम ठीक है ओके ओके। यस मनीष तिवारी बताइए। गुड इवनिंग बताइए मैम। जो हम लोगों ने एसिड बेस का सब पढ़ा था ना बीफार्म में। हाँ जी मैं बीफार्म कर रहा हूँ लिटिल इंटर से। तो बीफार्म जो हमने पढ़ा था इसमें एसिड बेस पावर की तीनों थ्योरी हो गए, लिमिट टेस्ट हो गए है ना, और जितने भी आपके क्या कहते हैं एंटी माइक्रोबियल्स हो गए। तो कितना नंबर का इससे पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, मतलब कितना नंबर का पूछा जाएगा इस मतलब पर्टिकुलर चैप्टर नंबर का? तो आई थिंक 15 का बात चल रही है, वो आपने देखा ही होगा है ना। यस मैम पर्टिकुलर इस टॉपिक। अब टॉपिक का ये कि मैं टॉपिक में से ही जो क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मैं वही क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो अगर आप ये लाइव लेक्चर्स देखेंगे तो आपको आइडिया होता रहेगा, यही आपको करना होगा। ठीक है थैंक यू मैम है ना। ओके मनीष छोटी राय बताइए, आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही है बिल्कुल भी, बोलिए। हेलो हेलो। हाँ बताइए, अभी आपकी आवाज आ रही है फाइनली। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बोलिए मैम। ये मिलना था कि इन जो भी मतलब कैसे किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, केमिकल रिएक्शन के ज्यादा रहेंगे कि आप ऐसे ही? देखिए केमिकल रिएक्शन के ज्यादा क्वेश्चन नहीं देते हैं क्योंकि उनको भी पता होता है कि हर तरह के बच्चे मतलब बैचलर्स के डिप्लोमा के सारे ही बच्चे बैठते हैं उस एग्जाम में है ना। तो बहुत ज्यादा डेप्थ में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं पूछा जाता है। तो किस टाइप के रहना चाहिए? जिस तरह के आते हैं उस तरह के मैं आपको सब कवर करा दूंगी, जो भी मैं करा लूंगी लेक्चर्स अगर आप वो अटेंड करें तो। मैम ऐसा है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी देख लेंगे। मैं इम्पोर्टेंट ही करा रही हूँ, मैंने आपको जो भी लेक्चर में क्वेश्चन कराए कोई मैंने इम्पोर्टेंट नहीं कराया। मैंने अगर 19 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, आपको वही करने हैं है ना। बाकी कंटेंट आप देख ही चुके हैं, आप पढ़ ही रहे हैं वहां से है ना। तो अभी क्या है क्वेश्चन करने का टाइम है, आप ये क्वेश्चन देखिए आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत से कॉन्सेप्ट एक एक एमसीक्यू से क्लियर हो जाते हैं। होपफुली आपका भी क्लियर होगा।
यस कपिल, हेलो कपिल बोलिए। हेलो मैम, मैम हाँ बोलिए। DSVM में मैम जो कुछ चैप्टर रह गए मैम उसको क्लियर करना है। तो आप DSPM में जब आपके टीचर क्लास ले रहे होंगे एक बार आप उनसे बोल दीजिएगा, ओके मैम, है ना? ओके मैम। ओके चलिए स्टूडेंट्स, अभी मैं क्लास एंड कर रही हूँ, ठीक है? अभी अब से लगभग 15 से 20 मिनट्स के बाद एक क्लास फिर से होगी, लाइव क्लास, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यूटी राय, आपका जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। आई होप यू आर ओके विद इट। ओके।